जो चना बाजरा सब ये जो मोटा अनाज है मिला जुला खाओ, मिलजुल के रहो। और फिर कोरोना आए, कोरोना का बाप आए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये हौसला मैं खाली मोटिवेशन ही नहीं दे रहा हूँ, साइंटिफिक रिसर्च एंड एविडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, मैं एक्सपीरियंस के साथ ये बात कह रहा हूँ। त्रिकोणासन, फिर ये कोणासन, फिर पादहस्तासन, आज खड़े होकर के, फिर बैठ करके, फिर उल्टे लेट के, सीधे लेट करके, 100 से ज्यादा योग की क्रियाएं बातों बातों में ही हो जाएंगी, पता ही नहीं लगेगा। और योग से और सात्विक आहार से, सात्विक विचार से, आगे पीछे पादहस्तासन, योग से, सात्विक आहार विचार से, सात्विक वाणी व्यवहार से, सात्विक स्वभाव से, सात्विक जीवन से, सात्विक जीवन पद्धति से, चलो वृक्षासन करते। कोशिश करो जो हमारे भीतर ऊर्जा पैदा होती है ना, फिर उससे हमारी इम्यूनिटी तो स्ट्रोंग होगी। उस इम्यूनिटी की सुरक्षा चक्र को ना तो कोरोना भेद पाएगा। अब देखो कुछ कहते हैं, अरे इम्यूनिटी भी ज्यादा बढ़ गई तो गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, कभी इम्यूनिटी को हमारे खिलाफ भड़का दे, मजाल। हमारी जब ऊर्जा योग से, जो सात्विक ऊर्जा तैयार होती है, सात्विक प्रतिरक्षा तंत्र तैयार होता है, उसको कोरोना तोड़ ही नहीं सकता। अपने खिलाफ करना तो बहुत दूर की बात रही, ऐसे ही करता तो अभी तक तो सामीर रामदेव मर गया होता, जो 40 सालों से योग कर रहा है, आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी नीम खा रहा है, जो सात्विक आहार ले रहा है ना। मेरे भाई कोई आपके सुरक्षा कवच को नहीं तोड़ पाएगा, यह अभेद्य सुरक्षा कवच है, यह अभेद्य सुरक्षा कवच है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है। और बस और इसके लिए जरूरी है स्वामी जी को सिखा रहे इंडिया टीवी के माध्यम से, रोजाना सुबह 8 बजे इंडिया टीवी खोल के बैठ जाएं जी, और स्वामी रामदेव के साथ रोजाना योग करते रहें और एक अभेद किला अपने इर्द गिर्द बना लें, जो नजर नहीं आता है लेकिन जो दुश्मन है उसे जरूर नजर आएगा। अच्छा स्वामी जी, शरीर में सैचुरेशन लेवल कम होने से हार्ट पर जो है काफी असर पड़ता है, आर्टरीज फूलने लगती हैं, हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है, तो ऐसे हालात से निपटने के लिए क्या करना है? तो देखो, ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो मैंने विवेक का उदाहरण दिया, फिर देखो अभी उष्ट्रासन कर रहे हैं, फिर आगे शशकासन भी करेंगे, मुंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन भी करेंगे। इस माता को देना भाई माइक, ए बड़ी जबरदस्त माता है, पहाड़ में हिमालय में रह रही थी, वहां इसको कोरोना नहीं था और कोरोना की दवाई दे दी कि चलो मुंडूकासन और शशकासन करो। स्वामी जी ओम। तो क्या हाल हो गया, तो बोल रहा है तो हाँ मैं तो आराम से शशकासन कर, मैं तो आराम से काशी विश्वनाथ मंदिर में रोजाना 2.5 घंटे मंत्र जप के साथ में भस्त्रिका करती रही, माँ नंदी के पास में बैठ के। और जब मैं नीचे आई ना, मुझे पता था कि मुझे हो ही नहीं सकता, और यहाँ पे गांव में मैं अपने पहुँची तो वहाँ पे कोरोना, सभी को कोरोना, तो मुझे सारे गांव को कोरोना था, तो बोले इसको भी कोरोना होगा, इसको दवाई दे दी। और मुझे जो मुझे 10 दिन तक उन्होंने अपने पैरासीटामोल और गाँव में जो दवाइयाँ देते हैं, उसके बाद फिर मैं दूसरी जगह पहुंची, मैंने कहा यहाँ से भागो, गलत दवाइयाँ दे दी जाती है, उसकी भुक्त भोगी है माता। हाँ जी मैं वहाँ से गई तो वहाँ पे मेरी रिपोर्ट भी करा ली उन्होंने, मेरा नेगेटिव आया, वो तो आना ही था नेगेटिव आया, तो मैं बहुत खुश हुई। लेकिन ये एक उदाहरण है, नेगेटिव थी फिर भी गलत ट्रीटमेंट दे दिया, कोरोना नहीं था फिर भी कोरोना की दवाइयाँ खिला दी, जो दवाइयाँ होती ही नहीं है। अच्छा, और फिर बच गई, फिर दवाई स्टेरॉइड चढ़ाए, 4-5 स्टेरॉइड चढ़ाए, जो जिंदगी में मैंने कभी पैरासीटामोल भी नहीं खाई। अब शीर्षासन करके दिखा जी, बिल्कुल, ये देखो धन्यवाद। यह माता शीर्षासन करती, क्या नाम है? राजकुमारी। कर राजकुमारी, ये योग कुमारी हो गई। अब देखो ये अब कोरोना को मात दे दी, कोरोना तो हुआ ही नहीं था, जबरदस्ती कोरोना की दवाइयाँ खिला दी और फिर इसका हाल बेहाल कर दिया था, मरने को हो गई थी, बच गई। तो देखो ये मंडूकासन, ये शशकासन, ये वक्रासन, क्या बात है, तो जोरदार है मेरा। इसके बगल में बैठे भाई, ये अपने बच्चे को लेने गए थे वहाँ बिहार, आरबीआई में काम करते हैं, और इसका कितना किलो कफ निकला? मेरे 2 से 3 किलो निकला, 2 से 3 किलो कफ निकला, इसने गायबक गए, अब तो फेफड़े, फिर अब तो सीआरपी लेवल बढ़ गया, अब तो अंदर गृह युद्ध हो रहा है। फिर उसमें चमत्कार ये हो, गुरुजी मैं ये करता था प्राणायाम, तो लेकिन प्राणायाम होता नहीं, नाक भी कुछ हो गए मेरे, फिर मैंने बिल्कुल ही जब क्रिटिकल हो गए, 2 दिन सोया नहीं, तो मेरी पत्नी ने हवन का आप जो बताते हो ना, हमने शुरू नहीं किया था कभी भी, लेकिन पहली बार किया, और वो चमत्कार मैं इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ कि
दस मिनट 15 मिनट बाद में मैंने मेरे नाक खुले तो मैं बोले मैं 10 मिनट सो लेता हूँ फिर तो जागना ही है, लेकिन मेरी सुबह 5 बजे जो आँख खुलती वो खुली और मैं मतलब सबसे पहले नाक पे ही ध्यान गया, नाक बंद तो नहीं है। उसके बाद में अब हवन करने से एक बार क्या नाम है? राजवीर सिंह जी। राजवीर सिंह पहली बार हवन किया था क्या? जाट हो क्या? नहीं मैं यादव हूँ, रेवाड़ी यादव है। ये जाट ये यादव ये कहाँ हवन करें, लठ मार पहली बार हवन कर रखता हूँ मेरे पास। आप पता नहीं गुरु जी मेरा हाथ पकड़े रखते हो, मेरे को एक दिन पहले ही बता देते हो जो भी होता है मेरे को। चलो आशीर्वाद है, हवन किया योग किया 2 किलो कफ निकला ठीक हो गए। और कब भी गुरु जी मैंने देखा नहीं है ऐसी हालत में कब था वो क्या 2 किलो कफ निकाला। लेकिन श्वासहारी गोल्ड मैंने पहले पटना से फोन कर दिया था बेटे को, वो 5 पैकेट श्वासहारी गोल्ड और कोरोनिल तो हम खा रहे थे एक महीने से, वो तो डालते हैं परमानेंट है जी वो। चलो छोड़ो अब लेटो उल्टे लेटो। अब देखो जो आप बोल रहे थे ना, चाहे हार्ट के पेशेंट हो चाहे अस्थमा के पेशेंट हो चाहे CRP लेवल बढ़ गया हो सिचुएशन कम हो गया हो, ये करें मकरासन भुजंगासन सलभासन फिर आगे धनुरासन, सारे आसन आज बता दे रहे हैं, पूरा पैकेज दे रहे हैं और सबको ये बता रहे हैं भाई चाहे जो हो जाए। एक छोटा सा बालक है पुंडीर, ए पुंडीर इधर आ, छोटा सा बालक है इसको अस्थमा हो गया था, इनहेलर ले रहा था। अब ऐसे बताओ आज का बचपन वो भी घुट घुट करके जी रहा है, क्या हो गया? लेटो बेटा मेरे साथ करो मकरासन करो। कब से लेते थे बेटा तुम स्टीराइड? ये स्टीराइड लेना पड़ रहा था इसको 2 इयर्स से, स्कूल 2 इयर्स से। बताओ और अब कितने दिन से बंद हो गया? 1 मंथ हो गया। 1 ईयर से अब योग कर रहे हो ना। चलो अब मेरे साथ करो। अब देखो ये छोटा सा बालक है, मासूम सा बच्चा है, अब इसको स्टीराइड दे दिए थे, इनहेलर दे दिए थे और बता दिया था कि जिंदगी भर इसका दमा ठीक नहीं होगा। अब ये 1 साल से अब छोड़ दिया इनहेलर। ये है इंडिया टीवी के इस योग आंदोलन का परिणाम, ये योग के लाइव एग्जांपल्स हैं। दोनों हाथ छाती के नीचे रखो बेटा, ऐसे रखो और ऐसे हथेली पर हथेली और ऐसे उठो। ये देखो अब ये क्या नाम बेटा आपका? दीपांशु पुंडीर का दीप जल गया योग से। लंबे लंबे श्वास, छोटे बच्चे हो जवान हो बुजुर्ग हो सब योग करें और योग से सब रोगों को तो हम हराते ही हैं, ये तो उसका प्रथम चरण है। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ऐसा प्रतिरक्षा ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार करते हैं जिसको अभेद्य किला हम तैयार करते हैं अपने भीतर, जिसको कोरोना से लेकर के कोई दुनिया की ताकत अभेद्य किला। हाँ चलो सर्वासन, जिसको कोई भेद नहीं सकता ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार हो जाता है उसको। अच्छा स्वामी जी, अंग्रेजी में ना एक क्रिलियन फोटोग्राफी बोलते हैं उस जी मेरे भाई हुसैन भाई। स्वामी जी जब अपनी ही इम्यूनिटी खुद की दुश्मन हो जाए तो हमलावर की तरह अलग अलग ऑर्गन्स को फिर वो अफेक्ट करने लगती है, खुद को ही नुकसान पहुंचाती है और नुकसान जिन ऑर्गन्स को होता है उसमें से किडनी भी है, तो किडनी की सुरक्षा करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? जी तो किडनी की सुरक्षा के लिए एक तो रोज गोखरू पिए, पानी ज्यादा पिए और सप्ताह में कम से कम एक बार कुलथ की दाल खा लें और महीने में एक बार नीम और पीपल का पानी पी लें, नीम और पीपल के पत्तों का रस। पीपल का पेड़ कितना बड़ा खड़ा है हमारे यहाँ पर, नीम तो हमेशा मैं अपने साथ ही रखता हूँ, मैं तो कहता हूँ हर घर में गमले में लगा दो नीम पीपल तुलसी हल्दी और गिलोय, अपने हर घर में। यह अभियान हमने इंडिया टीवी के माध्यम से चलाया था। और फिर कपाल भाती प्राणायाम करें और मंडूक आसन से लेकर के अभी। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।